सनी टोयोटा आगरा ने अपने नवीनतम पेशकश द ऑल न्यू टोयोटा रोमियन का अनावरण किया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल चौधरी मौजूद रहे। टोयोटा की न्यू लॉन्च रोमियन कार बेहद आकर्षक है, ग्राहक कार की बुकिंग कराने के लिए शोरूम पहुंच रहे हैं। सनी टोयोटा आगरा ने अपनी नवीनतम पेशकश द ऑल न्यू टोयोटा रोमियन का अनावरण किया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना कर दीप प्रज्वलन कर की गई। इस गाड़ी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना और कंपनी के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने आम जनता के हिसाब से ये गाड़ी निकाली है। कायदा से इस गाड़ी का बहुत बड़ा भविष्य है। जो आदमी 45-46 लाख रुपए खर्च करके टोयोटा खरीदेगा वो सबसे पहले इसको खरीदेगा। वही इंजन, वही फीचर, वही मतलब अच्छी गाड़ी है। वास्तव में आम जनता के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। टोयोटा की न्यू लॉन्च रोमियन कार बेहद कम दाम में ही बेहद ही आकर्षक है। ग्राहक कार की बुकिंग कराने के लिए शोरूम पहुंच रहे हैं। न्यू लॉन्च रोमियन कार 10,29,000 रुपए से 13,68,000 रुपए की आकर्षक एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध होगी। टोयोटा ने अभी रोमियन लॉन्च की है गाड़ी और एक्चुअल में ये गाड़ी मार्केट में धमाका करने वाली है। रीजन बिहाइंड दिस कि आज की डेट में जो 7-सीटर कार है, टोयोटा की 7-सीटर कार अभी इनोवा आती थी, तो इनोवा क्रिस्टा जो कि एक रेंज है, एक कस्टमर जो सोचता था वो 22+ एक बार अगर रेंज हो तो कहीं इनोवा क्रिस्टा के बारे में सोचता था। बट आज हम 10.29 एक्स शोरूम में 7-सीटर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये गाड़ी मार्केट में इसलिए लोगों के लिए बहुत ही एक तरीके से वेटिंग था कि कब इस रेंज में एक 10 से 20 के रेंज में कोई टोयोटा की गाड़ी आएगी। प्राइस इसका 10.29 से स्टार्टिंग है मैम, और ये मैनुअल, अच्छी बात यह है कि मैनुअल, ऑटोमेटिक और CNG तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है। 7 लीटर वाली ये MPV 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से संचालित है। इसमें नियो ड्राइव यानी IMG और CNG तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो पेट्रोल वेरिएंट में 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 26.11 किलोमीटर है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। रोमियन की बुकिंग 11,000 रुपए से प्रारंभ कर दी गई है। ये जानकारी सनी टोयोटा के महाप्रबंधक दुर्गेश बहादुर सिंह ने दी। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।